हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में त्रिभुज का कोण निकालना सीखेंगे कि त्रिभुज का कोण कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें कि त्रिभुज का कोण हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे एक कोण का जो मान दिया हुआ है 100 डिग्री दिया हुआ है, दूसरे कोण का मान 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, हमें तीसरा कोण का मान पूछा है। ठीक है, अब इस तरह की इसमें देखिए एक कोण का मान 90 डिग्री दिया हुआ है और हमें दो कोण का मान पूछा है। ये एक्स जो दिया हुआ है इसका मान निकालना है, इस एक्स का मान निकालना और इसका एक्स का मान निकालना कि यहाँ पर इस कोण का मान और यहाँ पर इस कोण का मान कितना होगा। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये इस त्रिभुज में कि हमें इस त्रिभुज में तीन कोण है। ठीक है, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं 1, 2, 3। ठीक है, तो आपको पता होगा स्टूडेंट कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कोण फर्स्ट प्लस कोण टू प्लस कोण 3 इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमें एक कोण का मान दिया हुआ 100 डिग्री, दूसरे कोण का 45, तीसरा कोण का मान निकालना कि तीसरा कोण का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमें पहले तीनों कोणों का हम सम करेंगे। तो इसको लिखेंगे 100 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एक्स। ठीक है, इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का सम 180 होता है। ठीक है, तो 100 डिग्री और 45 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना होगा, 145 प्लस एक्स इक्वल 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए 145 इसमें प्लस में, तो इसको जब हम उधर इक्वल की तरफ ले जाएंगे, 180 डिग्री की तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, तो एक्स को तो यहीं पर रहने देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो 180 डिग्री और इसको 145 उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा, जब 180 में से 145 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 35 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि x का जो मान है, x का मान कितना आ गया स्टूडेंट, 35 डिग्री। तो इसका मतलब ये है, ये 35, इस x का वैल्यू कितना हो गया, 35 डिग्री। ठीक है, जब आप तीनों कोणों का सम कीजिएगा स्टूडेंट, जब आप तीनों कोणों का सम कीजिएगा तो 180 डिग्री होगा। जैसे 100 डिग्री हो गया और 45 डिग्री और 35 डिग्री, तो 45 डिग्री और 35 डिग्री जब हम सम करेंगे तो कितना हो गया, 80 और 100 ये हो गया, तो 180 डिग्री। तो मतलब तीनों कोणों का सम हो गया स्टूडेंट 180 डिग्री। ठीक है, अब आइए चलते हैं इसका देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए तीनों कोणों का सम करेंगे, ठीक है, एक्स प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, अब x कितना हो गया स्टूडेंट, 2x प्लस 90 इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, अब 90 किस में स्टूडेंट, प्लस में, तो उधर जाएगा 180 की तरफ तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 2x 180 और उधर जाएगा तो ये माइनस का 90 हो जाएगा, तो 90, तो ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो गया, 180 में से 90 जाएगा तो 90 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2x है, तो 2 और x के बीच में हमेशा मल्टीपल होता है, तो x तो वहीं पर रहने देंगे, तो ये उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ये। ठीक है, तो 90/2, तो ये कट जाएगा तो ये आएगा 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो x की वैल्यू क्या हो गया, 45 डिग्री, x की वैल्यू क्या हो गया, 45 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए क्या स्टूडेंट कि x की वैल्यू 45 डिग्री आ गया, तो कहने का मेरा मतलब है कि ये जो x है इसका वैल्यू 45 डिग्री है और इसका भी 45 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 45 45 कितना हो गया, 90 डिग्री, और 90 डिग्री ये हुआ, तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। तो तीनों कोणों का सम हो गया स्टूडेंट 180 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका था त्रिभुज कोण निकालने का। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो स्टूडेंट आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट।